नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तीन ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिनके कारण हमारे लैपटॉप की डिस्प्ले खराब हो सकती है। जी हां दोस्तों, ये तीनों मिस्टेक्स बहुत कॉमनली की जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो इसमें थर्ड मिस्टेक है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस मिस्टेक है और वही मिस्टेक हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये 90% जो पीपल हैं वो कर ही रहे होंगे, और उन 90% में से एक मैं भी हूँ। इसीलिए दोस्तों, मैंने अपने लैपटॉप की डिस्प्ले चेंज करवाई है और मुझे 4 से 5 हज़ार का फटका लग चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसा कोई फटका ना लगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, और जिनको लगता है भाई हमारा लैपटॉप सही चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। जब आपको दोस्तों फटका लगेगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक भी करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारे लैपटॉप की डिस्प्ले होती है उसके अंदर डायोड्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत सी कॉमनली ये सुना होगा कि हमारी एलईडी डिस्प्ले है। तो दोस्तों, इसमें एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। जी हाँ दोस्तों, जिनको टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता है तो मैं आपको कॉमन भाषा में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो ये डायोड्स होते हैं ये बेसिकली बल्ब्स होते हैं जो आपके घरों में लगे होते हैं, सेम वैसे इसके अंदर ही फ्यूजेस वगैरह होते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ हमारी मिस्टेक्स के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारी पहली मिस्टेक है वो ये, जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो हमें अपने लैपटॉप तो ऑब्वियसली चाहिए होता है, अगर हम लैपटॉप के साथ अपने काम करते हैं तो। हम क्या करते हैं, अपने लगेज कम करने के चक्कर में जो हमारे लैपटॉप वाला बैग होता है उसके हम अंदर कपड़े वगैरह डाल देते हैं, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है कि जो हमारे लैपटॉप की डिस्प्ले होती है उस पर वेट पड़ जाता है। तो आपको जैसे पता होगा, हमारे घर पर अगर कोई बल्ब है उस पर वेट पड़ जाए तो दोस्तों वो फ्यूज़ भी कर सकता है और टूट भी सकता है। तो सेम ही जो चीज़ है वो लैपटॉप की डिस्प्ले के उसमें होती है। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ हमारी सेकंड मिस्टेक के बारे में। दोस्तों, बेसिकली ये हमारी मिस्टेक नहीं है, ये कंपनी की डिजाइनिंग की ही मिस्टेक है। तो अगर आपको पता हो तो हमारे डिस्प्ले के साथ एक डिस्प्ले कनेक्टर लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, वो डिस्प्ले में यहाँ लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो वो डिस्प्ले कनेक्टर है वो हमारे डिस्प्ले के हिंजेस से होकर जाता है। तो जब भी हम अपने लैपटॉप बंद करते हैं या खोलते हैं, मतलब स्क्रीन को, तो क्या होता है कि जो बार बार ऊपर नीचे करने से जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है उसकी वायर के बीच में क्रैक आ जाता है, जिसके कारण हमारी लैपटॉप की डिस्प्ले बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी अगर आपकी कभी लैपटॉप की डिस्प्ले खराब हो तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले कनेक्टर ही चेक करना है। और दोस्तों, मैं एडवाइस करूंगा कि खुद से थोड़ा कोशिश करना चेक करने की, क्योंकि अगर आप सर्विस सेंटर में लेके जाते हो तो भाई वो सीधा बोल देंगे डिस्प्ले खराब है, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आपको खुद से ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, जो हमारी थर्ड मिस्टेक है वो ये है कि जब भी हमारे लैपटॉप हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं तो उनकी स्क्रीन के ऊपर डस्टिंग आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो डस्ट साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, गीला कपड़ा मार देते हैं या फिर जो डिस्प्ले क्लीनर्स आते हैं डायरेक्ट उसको मार के कपड़े से साफ कर देते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये सबसे डेंजरस तरीका है हमारे लैपटॉप को डिस्प्ले को ख़राब करने का। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो डायोड्स होते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी मॉइस्चर चल जाए तो वो शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, जो वो फ्यूज़ हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सही तरीका साफ़ करने का क्या है। दोस्तों, पहली बात तो आपको गीला कपड़ा कभी भी नहीं मारना है। अब मैं दूसरी जो आपको बता दूँ कि जो क्लीनर होते हैं दोस्तों, उसको भी डायरेक्ट नहीं मारना है। आपको क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर वो क्लीनर मारना है और उसको अच्छे से कपड़े पे फैला देना है ताकि वो थोड़ा कम कम हो जाए, और उसके बाद आपको अपने डिस्प्ले पे मारना है। दोस्तों, ये एक सही तरीका है अपने लैपटॉप की डिस्प्ले को बिल्कुल साफ करने का और एकदम अच्छी रखने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो। दिल से हिमाचली, दिल से हिंदुस्तानी, जय हिंद।